आप ही कर लो, जैसी हो रही है कर लो, काफी है। ठीक है मैम। ठीक है, अल्लाह करे सही हो जाए। चलो स्टार्ट करते हैं वापस। तो देखो, ये मैंने आपको क्या कहा कि अगर हमारे पास, हमें प्रोबेबिलिटीज मालूम करनी होती इन चीज़ों की, लेस देन, ग्रेटर देन और रेंज की, तो हमें क्या करना पड़ता है, यूजिंग दिस पीडिया, इसके ऊपर हमें इंटीग्रेशन अप्लाई करनी पड़ती है। इंटीग्रेशन बार बार क्यों कह रही हूँ, क्योंकि ये कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस में प्रोबेबिलिटीज मालूम करने के लिए इंटीग्रेशन अप्लाई करनी पड़ती है, और डिस्क्रीट में समेशन अप्लाई करना पड़ता है। तो अब यहाँ पे हमारी चीज़ें जो है वो स्टेटिशियन ने बहुत आसान कर दी हमारे लिए, और उन्होंने क्या कहा कि आप बट इसको जो है वो आपको कैलकुलेट करने की, अब इंटीग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है, अब आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल करें। फॉर्मूले में क्या है, आपको मीन और वेरियंस पता है, और कोई भी एक्स वैल्यू पे जो है वो आप उसके प्रोबेबिलिटीज फाइंड आउट कर सकते हो। अब वो एक्स वैल्यू जो भी होगी आप उस पर फाइंड आउट कर सकते हो। अब अगर आपको रेंज में प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है तो भी उन्होंने फॉर्मूला डिफाइन किया है, ग्रेटर देन पे भी फॉर्मूला डिफाइन किया है, और लेस देन पे। मैं एक एक करके आपको सारी प्रोबेबिलिटीज विद एग्जाम्पल समझाऊंगी। अब ये स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला मेरे पास गिवन आ गया, ये भी देखिए स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का भी कर्व देखें, सेम वैसे ही है, क्योंकि ये भी क्या कर रहा है, ये भी फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही करता है, सारी वही प्रॉपर्टीज ही कर रहा है, लेकिन बस आसानी के लिए उन्होंने एक स्टैंडर्ड वर्जन निकाला। स्टैंडर्ड वर्जन के लिए यहाँ पे जो मीन होगा वो 0 होगा, यहाँ पे z+1, z+2, z+3, फिर z-1, z-2 और z-3। इसका मतलब है यहाँ पे भी वही सारी चीजें जो नॉर्मल कर्व में यहाँ मौजूद थी, जैसे ये कर्व नॉर्मल था, यहाँ पे 1 स्टैंडर्ड डेविएशन, 2, 3, यहाँ पे भी, यहाँ पे अब z, यहाँ पे म्यू क्या हो गया, z में 0, यहाँ पे भी 1z, 2z, 3z। अब ये सारी चीजें क्या हो गई स्टैंडर्ड के लिए, स्टैंडर्ड में हमने यहाँ पे z से रिप्रेजेंट कर दिया, क्योंकि मैंने आपको क्या कहा स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को z डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे z से डिस्ट्रीब्यूशन करने लग गए। ठीक है, अब इसका जो वर्किंग रूल है, वो वर्किंग रूल क्या है कि कन्वर्ट कर दे एक्स वैल्यू को स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरियंट में बाय यूजिंग फॉर्मूला। इसमें सबसे पहले क्या है कि जो भी आपके पास एक्स वैल्यू है, सबसे पहले आप उस एक्स वैल्यू को स्टैंडर्ड फॉर्मूले में अंदर डाल दें, यहाँ पे मतलब स्टैंडर्ड फॉर्मूले के अंदर अपनी एक्स वैल्यू सब्सिट्यूट कर दें, फिर फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटीज, फिर आप अपनी प्रोबेबिलिटीज मालूम कर सकते हैं, लेस देन की, ग्रेटर देन की और अपनी रेंजेस की। तो जिस तरह की भी आपको प्रोबेबिलिटीज मालूम करनी है, फिर आप इस फॉर्मूले के जरिए जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चले एक नज़र फॉर्मूले के जरिए प्रोबेबिलिटीज मालूम करने का चेक कर लेते हैं, इस तरह मालूम करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास गिवन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन म्यू एंड वेरियंस। अब इन्होंने कहा कि आपका जो डेटा है वो इन्होंने बता दिया, अब आपको टेस्टिंग करने की जरूरत ही नहीं है कि आपका डेटा नॉर्मल है या नहीं। ठीक है, अगर आपको फॉर एग्जांपल मैं पेपर में फॉर एग्जांपल 4-5 पॉइंट दे देती हूँ, कहती हूँ बेटा चेक करके बताओ ये नॉर्मल है कि नहीं, तो क्या करोगे, सिंपली ड्रॉ कर दोगे, ड्रॉ करोगे ग्राफ में। अगर वो एक यूनी मॉडल बन रहा है, मतलब एक पीक बन रही है, तो आप बताओगे इसमें से यूनी मॉडल डेटा है, इसका मतलब ये नॉर्मल कर्व है। ठीक है, अच्छा अगर एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, इन्होंने कहा भाई हमारे पास गिवन ही नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, उसका मीन ये है और वेरियंस ये है, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटीज। अब इन्होंने कहा कि द एरिया बिलो 13.5, द एरिया अबव 10, द एरिया बिटवीन 6 एंड 18। इसका मतलब एरिया अबव एरिया बिलो का मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटीज। अब इन्होंने एरिया बिलो एरिया अबव का मतलब क्या है, एक्स लेस देन 13.5, एक्स ग्रेटर देन 10, और x x की वैल्यू 6 लेस देन एंड इज इक्वल्स टू x 18। इसका मतलब है इन्होंने जरा एक अलग और मुख्तलिफ किस्म की नोटेशन बना दी है। इसका मतलब ये देखें ये क्या चीजें लिखी हुई है आपके सामने, इसका मतलब है कि सबसे पहले ये लेस देन का एरिया मालूम करने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो लेस देन का एरिया की क्या वैल्यू आएगी इसका मालूम करने के लिए उसने कहा कि इसका मीन क्या है 12। ठीक है, और उसने कहा कि मुझे लेस देन का एरिया मालूम करके दो, मतलब यहाँ से लेके इसके पीछे तक का मुझे तमाम ब्लो एरिया चाहिए, इस पूरे पॉइंट को उसने शेडेड कर दिया, उसने कहा कि मुझे इसकी वैल्यू बताओ कि क्या होगी। ठीक है, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है, डेफिनेटली इन्होंने क्या कहा कि इसका अगर इन टर्म प्रोबेबिलिटी लिखूं तो ये बनी इसकी प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन 13.5। सही है, तो ये देखो इन टर्म ऑफ प्रोबेबिलिटी किस तरह बनी, ये आपके सामने एक प्रोबेबिलिटी बन गई। सही है, इसमें आपने क्या करना है, ये आपके पास अभी तो समझे इन वर्डिंग्स में लिख दिया था, यहाँ पे हमने प्रोबेबिलिटी के ओरिजिनल फॉर्म में लिख दिया। इसका मतलब है कि इन्होंने लेस देन की प्रोबेबिलिटी पूछी है, ये सामने पता चल गया 13 से पीछे का तमाम एरिया बताओ। अब कैन बी ऑब्टेन बाय ट्रांसफॉर्मिंग द नॉर्मल वेरिएंट इन द स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएंट, सीधी सी बात हो गई, वर्किंग रूल मैंने आपको बताया था कि अपने नॉर्मल वेरिएंट को, अपने एक्स को किस में कन्वर्ट कर दो, नॉर्मल स्टैंडर्ड नॉर्मल में।
यही बात हुई थी कि वर्किंग रूल आपको बताया था, सबसे पहले अपने एक जो नॉर्मल वेरिएंट है उसे आप कन्वर्ट करें स्टैंडर्ड में, तो आपके पास ये एक्स के आर्ग्यूमेंट है 13.5, तो सबसे पहले आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आइए। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए आपके पास ये फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए जो फॉर्मूला इस्तेमाल हो रहा है वो आपने ये फॉर्मूला यूज करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए एक्स क्या है 13.5 माइनस म्यू, म्यू क्या गिवन है आपके पास, मीन है 12 और वेरियंस है 2। आपने यहाँ पे मीन और वेरियंस कैलकुलेट कर दिया, इस पूरे पॉइंट को आपने क्या करना है कैलकुलेट करिए, इस पूरे पॉइंट को कैलकुलेट करें, आंसर क्या आएगा 0.75। अच्छा अब यहाँ पे ये चीज क्यों लिखी है, ये बेसिकली आपके पास क्या है जेड, जेड लेस देन इज इक्वल टू दिस वन, आपका इसका मतलब है अब आपको इस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है। तो ये आप समझे कि ये आपके सामने जो है वो चला आएगा। अब यहाँ पे आप x की वैल्यू जिस तरह यहाँ लिखते थे ना x लेस देन इज इक्वल टू 13, तो अब आप ये x रिप्रेजेंट कर रहा था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को, लेकिन अब आप चुके किस में आ चुके हो स्टैंडर्ड नॉर्मल में, तो स्टैंडर्ड नॉर्मल को z डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, तो इस वजह से ये z वहां का कीवर्ड आया हुआ है, ठीक है। तो अब ये z कीवर्ड आपका यहाँ अप्लाई होगा, तो z लेस देन इज इक्वल टू 0.5। तो सबसे पहला काम वर्किंग रूल का क्या था कि अपने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को, ये देखिए यहाँ पे लिख दिया है मैंने कि सबसे पहले अपने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को कन्वर्ट कर दें x इंटू स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएंट बाय यूजिंग फॉर्मूला एंड फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटीज। यही चीज आपको बताई कि सबसे पहले अपने x वेरिएंट को नॉर्मल स्टैंडर्ड नॉर्मल के वेरिएंट में कन्वर्ट कर दें, उसके बाद फिर वो z मालूम कर देगा। तो सबसे पहले हमने स्टैंडर्ड नॉर्मल के वेरिएंट में फॉर्मूला कन्वर्ट कर दिया, अब इसके बाद हमें क्या करना है जेड कैलकुलेट करना है, किससे कैलकुलेट करना है लेस देन से। अच्छा जी जब लेस देन से कैलकुलेट करना है तो इसका मतलब है ये एरिया के बारे में, इस एरिया की वैल्यूज के बारे में हम इंटरेस्टेड हैं कि इसका आंसर आएगा क्या। तो आंसर आने के लिए हम क्या यूज करेंगे, बाय यूजिंग जेड टेबल। अब ये इसका जो आंसर है वो हम किस तरह यूज करेंगे, इसको कैलकुलेट करने के लिए हमने जेड टेबल बना दिया। मैंने आपको क्या कहा कि स्टैटिशियन ने हमें एक जेड टेबल प्रोवाइड कर दिया और वो मतलब एक जेड टेबल डिफाइन कर दिया और कहा कि तमाम प्रोबेबिलिटीज अब आप कहाँ चेक करें, यहाँ पे चेक करें। अच्छा अब इसकी जो प्रोबेबिलिटी देखने का तरीका होता है, जेड टेबल देखने का तरीका होता है, ये मैं आपको समझा देती हूँ किस तरह देखते हैं। तो ये देखिए ये जेड टेबल के अंदर एक आपके पास रॉ चल रही है, दूसरे एक आपके पास डिफरेंट रॉज हैं और एक आपके पास ये देखिए ये रॉज हैं और ये डिफरेंट कॉलम्स हैं। अच्छा आपको दिख नहीं रहा होगा डेफिनेटली, तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ये कंप्लीट टेबल नहीं है, मैंने नेट से तस्वीर उठाई थी क्योंकि ये आपके लिए विजिबल नहीं है। आप चाहें तो कंप्लीट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल जो है वो वहाँ मौजूद है, मैंने तो बुक के पीछे से पिक्चर दे दी आपको, आप नेट से भी जो है वो जेड एरिया अंडर द कर्व जेड टेबल डाउनलोड कर सकते हैं, वो आपको कंप्लीट, ठीक है। तो कंप्लीट नहीं, मेरे को छोटा सा टेबल चाहिए था आपको समझाने के लिए, तो ये मुझे मिल गया था। तो देखिए ये आपके पास क्या है, एक रॉ वैल्यू चल रही है, ठीक है, और एक कॉलम वैल्यूज चल रही है और एक रॉ वैल्यूज चल रही है, ये आपकी रॉ वैल्यू ये आपकी कॉलम वैल्यू। यहाँ पे देखें यहाँ पे आपके पास दो पॉइंट्स के विन है, यहाँ पे भी आपके पास दो तीन पॉइंट्स के विन है। तो आपने जो मतलब देखना है वो किस तरह देखना है, जो आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है वो किस तरह करना है, जेड को जो देखते हैं वो किस तरह देखते हैं, ये देखें सबसे पहले क्या लिखा हुआ है 0.75। अब 0.75 आपको चेक करना है कि इसका आंसर आएगा क्या जेड टेबल के अंदर। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, दो पॉइंट्स आपने यहाँ इस रॉ के अंदर देखने हैं और बाकी के जो पॉइंट है वो आपने कॉलम के अंदर देखने हैं। इसका मतलब है कि आपके पास आपको अपने टेबल को अपनी को, मतलब वैल्यू को ब्रेक करना है, किस वैल्यू को ब्रेक करना है, एक इस पॉइंट पे ब्रेक करना है और एक इस पॉइंट पे ब्रेक करना है। यहाँ पे अगर आपके सामने थोड़ा सा मैं और जूम कर देती हूँ ताकि आपको जरा क्लियरली दिखे, मैं दिखाना चाह रही हूँ कंप्लीट टेबल। अच्छा ये कंप्लीट जूम हो गया है, अच्छा ये एक दिखाना चाह रही हूँ मैं टेबल आपको, ये देखें इस टेबल के अंदर आपके पास जो हाईएस्ट वैल्यू वो है 0.00 से लेके 0.007 तक के, 0.007 या 0.009 तक के, ठीक है 0.009 तक के इसकी वैल्यू मौजूद है सारी। और यहाँ से जो इसकी वैल्यू मौजूद है वो उसकी जो हाईएस्ट वैल्यू आ रही है वो -3.4 आ रही है, -3.4 -3.3 2.3.0 2.9 -2.8 इस तरह इसकी वैल्यूज चल रही है। यहाँ से इसकी पॉजिटिव, यहाँ से आप आए यहाँ पे आ गए आपके पास माइनस, यहाँ से जीरो से लेके -3.4 तक के सारे माइनस में वैल्यू गिवन है। और यहाँ 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 ये सारे माइनस में चल रहे हैं। इसी तरह आप इसके नीचे लेकर अगर मैं आपको आऊं तो ये सारी की सारी वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव, ये 0.0
फिर 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 ये सारी के सारी वैल्यू कर लेना, ठीक है। तो अब यहाँ से सारी पॉजिटिव चल रही है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे दो वैल्यूज है तो आपने अपने डेटा को ब्रेक करना है इन टर्म ऑफ टू वैल्यूज। तो सबसे पहले अपने डेटा को ब्रेक करें, डेटा को ब्रेक किस तरह करें आप के अपने डेटा को, अब आपको चेक करना है, आपको पता है कि आपका आंसर क्या आएगा, आपको दो वैल्यूज यहाँ पे चेक करनी है इस साइड पे, और बाकी की दो रिमेनिंग वैल्यूज जो है वो 0.5 आपने इस साइड पे चेक करनी है। तो मैंने ये 0.75 था, 0.75 को मैंने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया 0.7 और 0.05 में। अगर आप इन दोनों को, इन दोनों वैल्यू को ब्रेक करने पे ऐड करें जरा 0.7 प्लस 0.05, तो आपको इन दोनों को ऐड करने पे 0.5 मिल जाएगा, बिल्कुल मिलेगा, ठीक है। तो क्यों ऐड किया, क्योंकि हमारे पास जेड टेबल जो है वो इन दोनों फॉर्म में लिखा, तो आपके पास जो भी डेटा वैल्यू होगी आपको इस तरह उसे ब्रेक करना होगा, लाजमी आप ब्रेक करेंगे तभी आप जेड स्कोर देख पाएंगे, अदरवाइज आपको जेड स्कोर मुश्किल होगा देखना, ठीक है। तो आप इसे ब्रेक कर दिया आपने, ब्रेक करने के बाद आपने अब आप जाएं, एक वैल्यू आपने देखनी है 0.7 पे, दूसरी वैल्यू देखनी है 0.05 की रॉ में। तो यहाँ पर आप जब आएंगे तो 0.05 की रॉ ये है, ये 0.05 की रॉ है, और ये है यहाँ पे 0.7 की रॉ, ये आगे 0.7। तो आप यहाँ पर आए, ये देखिए ये है 0.7, ये यहाँ से आप आए 0.7 और 0.5, ये आ गई आपके पास ये जो वैल्यू, चूंकि आपको नहीं दिख रही है, आप सही से डाउनलोड करेंगे तो ये आपके पास 0.5 और ये आपके पास 0.7, यहाँ 0.7 चेक करना है और यहाँ 0.05। इन दोनों को चेक करके जो भी आपके पास इंटरसेक्शन वैल्यू आ रही है वो आपके पास क्या है, जेड टेबल की वैल्यू। नहीं दिख रहा होगा डेफिनेटली आपको, आप लोग डाउनलोड करें नॉर्मल टेबल और वहां से आप उसे चेक करें। तो ये आप बस आपको याद रखना है कि जेड टेबल के अंदर समझे कि इंटीग्रेशन से आपकी जान छूट गई, और इंटीग्रेशन के बदले में आप जेड टेबल से अपनी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अब यहाँ पर जब आप आए तो यहाँ पे आपको दिख तो नहीं रहा होगा, लेकिन यहाँ पे देखिए कैलकुलेट करके वैल्यू दे दी है 0.7734। तो आप जब क्लियरली जेड टेबल देखेंगे तो आपके पास ये आपको जेड टेबल पे वैल्यू निकल आएगी कि 0.7734 की वैल्यू जो है वो यहाँ पे आपके पास जेड टेबल में गिवन है। तो ये क्या डिफाइन कर दिया, देयरफॉर दिस वैल्यू 0.73 के बाद है इज द एरिया दैट जेड टेकिंग द वैल्यू बिटवीन दिस वन माइनस इनफिनिटी से लेके जो इसने यहाँ तक के वैल्यू ली है, इस दरमियान में जिसका एरिया कैलकुलेट हो रहा आ रहा है उसका आंसर, उसका आंसर क्या है 0.77। इसका मतलब है कि अगर आप इसे परसेंटेज में ले जाएं, 0.77 को परसेंटेज में ले जाएंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 77% डेटा जो है वो आपका इस एरिया में कवर कर रहा है, सही है। इसका मतलब है कि 77% जो है वो आपका डेटा जो है, या 75% जो है वो आपका डेटा क्या हो गया, कवर हो गया। मतलब ये इन्होंने रेंज दी थी यहाँ तक के, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, 77% जो है वो यहाँ का एरिया है, ठीक है। ये आपने इसका एरिया कैलकुलेट कर लिया, इसकी जो वैल्यू आनी थी वो आपने कैलकुलेट कर लिया बनिस्बत यहाँ कि आप इसकी इंटीग्रेशन अप्लाई करते। अब इसी तरह देखें यहाँ पे अबव 10, अब इसका पॉइंट नंबर बी पे आइए। पॉइंट नंबर बी क्या है आपके पास, एरिया अबव 10। एरिया अबव 10 का मतलब है प्रोबेबिलिटी की टर्म में लिखें, जरा मैथमेटिकल टर्म यूज करें तो ये बनेगी कि एक्स ग्रेटर देन 10, ये आपके पास क्या बनेगी, ये प्रॉब्लम बनेगी आपकी। अब आपको पता है मैंने बता दिया था कि जब ग्रेटर देन की प्रोबेबिलिटी होगी तो क्या होगा, 1 - less than, ये बात हम लोग बहुत मरतबा कर चुके हैं, ठीक है। तो ये बात हम कर चुके हैं पहले भी काफी, तो अब इसकी जो प्रोबेबिलिटीज बनी वो क्या बनी, लेस देन 10 की बनी, ठीक है। तो उसमें से 1 - करना है, तो फिर फाइनली यहाँ पे डिफाइंड है, ये डिफाइंड है आपको यहाँ से लेके यहाँ पे आके डिफाइंड है। तो अब यहाँ पे देखें, सबसे पहले 10 को आपने स्टैंडर्ड वेरिएंट पे कन्वर्ट करना होगा, तो आप 10 को स्टैंडर्ड वेरिएंट पे कन्वर्ट करें, 10 - 12 / 2, तो आपके पास आंसर आएगा -1.00, ये आपके पास आंसर आया, ठीक है। अब आपने इसको टर्म लिख दिया z की टर्म में, अब आप जाके -1.00 की क्या निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहले आप इसके अंदर क्या करेंगे, इसको ब्रेक करें, ब्रेक किस में करेंगे, -1.0 + 0.00 + 0.00, देखिए यहाँ पे 0.00 भी लिखा हुआ है। तो ऐसा कोई आंसर आपको दिख जाए जिसके ऑलरेडी आंसर ही पॉइंट के बाद 0.00 आ रहे हैं, तो आप उसे 0.00 में कन्वर्ट कर दें, क्योंकि ये तो 0.0 से लेके यहाँ तक के मौजूद है, तो आप उसे ब्रेक कर दें। ये देखिए यहाँ पे भी 0.00 आ सकता है, तो माइनस का 1, ये देखिए माइनस का 1 कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है माइनस का 1, ये माइनस का 1 और ये रहा आपके पास 0.00, ये रहा 0.00। तो ये जो वैल्यू बन रही है ये आपके पास जेड की वैल्यू, ये आपका एरिया ग्रेटर देन के ग्राफ का,
ठीक है, जिसको मैंने रेड कलर से लिखा हुआ है। अब वो रेड कलर से आपको नहीं दिख रहा, तो रेड कलर की वैल्यू क्या है, 0.1587। ठीक है, अब इस वैल्यू को आपने 1 से माइनस कर दें, 0.15 की वैल्यू को 1 से माइनस कर देंगे तो 0.84% आपके क्या आ गई, प्रोबेबिलिटी निकल आ गई। ये और वो उस प्रोबेबिलिटी का आंसर क्या है, 0.84। ठीक है, इस प्रोबेबिलिटी का आंसर है दिस वन। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, अब इन्होंने आपको थर्ड पॉइंट क्या क्या था, एरिया बिटवीन 6 to 18, इन दोनों के दरमियान का एरिया फाइंड करें। तो अब इन दोनों के दरमियान का एरिया फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, पढ़ाया होगा, लेकिन वो क्यूमुलेटिव का था, लेकिन यहाँ पे जेड स्टैंडर्ड भी वही फॉर्मूला इस्तेमाल करता है। तो आपने सबसे पहले अपने 18 वेरियंट को स्टैंडर्ड नॉर्मल में कन्वर्ट करना है, फिर अपने 8 6 वेरिएंट को भी स्टैंडर्ड नॉर्मल में कन्वर्ट करना है। तो जब आप इस पूरे फॉर्मूले को कैलकुलेट करेंगे तो -3 आएगा, इस पूरी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो +3 आएगा। अब +3 और -3, इन दोनों की वैल्यू जाके आपने जेड टेबल में चेक करनी है। +3 को ब्रेक कर दें, 3 कर दे तो क्या आ जाएगा, 3, दूसरा जगह 0, 0। तो आप 3 के कॉलम में जाएंगे, यहाँ से आप चेक करेंगे 0.3, यहाँ से आप चेक करेंगे 0.0, सॉरी ये 0.3 है ना, आप 3 ओरिजिनल 3 चेक करेंगे तो ओरिजिनल 3 आपके पास आता है, ये है 3.0, बिल्कुल एंड, ये है 3.0 और ये है इसकी वैल्यू 0.0। तो आंसर आया आपके पास, ये क्या है, ये इसकी प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो अब आपने इसकी प्रोबेबिलिटी का एक आंसर ये है 0.99 समथिंग, और एक -3 का आंसर ये, इन दोनों को आपने माइनस करा, फाइनली आपकी रेंज की लिमिट पता चल गई। तो यहाँ पे देखें, जेड स्कोर के जरिए आप लोगों ने आज समझा कि जेड स्कोर के जरिए कितना ही आसान हो जाता है आपकी प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करना, कोई मुश्किल काम नहीं हो प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करना। ठीक है, तो ये चीज आसान हो जाती है इसके जरिए, बनिस्बत ये कि आप ये सारी चीजें बाय यूजिंग इंटीग्रेशन कर रहे होते हैं। अब ये एक प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैंने आपको दिया है, जिसके अंदर मैंने रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी तो फाइंड करके बता, ठीक है, ग्रेटर देन और लेस देन की प्रोबेबिलिटी आप लिख सकते हो, ग्रेटर देन एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है आपका डेटा। अच्छा ये थोड़ा सा एक मिनट, अच्छा ये हाइट ऑफ द कॉलेज स्टूडेंट आर अज्यूम टू बी ओवर द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, What percentage of the student who have the height of this range? क्या percentage होगी student की जो lie करेंगे इस range में? अभी अभी आपको empirical rule समझाया था मैंने कि बताइए कितने percent data आपके इस range के दरमियान में lie कर रहा है। ठीक है, तो अब आपने क्या use किया, सबसे पहले वही formula use किया, इन इन words को आपने क्या किया, standard variant में convert कर दिया। ठीक है, standard variant में आपने इनको convert किया, transform मतलब करेंगे तो आपके पास एक आंसर आएगा +1 का और एक आंसर आएगा -1 का। उनकी जेड टेबल में जाके वैल्यू चेक करेंगे तो ये वैल्यूज बनेंगी, +1 की ये वैल्यू बनेगी, -1 की ये। अब देखिए +1 के बाद कोई पॉइंटिंग वैल्यू नहीं है, पॉइंटिंग वैल्यू नहीं है तो आप उसे खुद से ब्रेक कर दें कि इसको लगा दें, इसको पॉइंट के बाद 0, 0 है। इसका मतलब है कि आप इसे चेक करें यहाँ इस वाले कॉलम में, कि जब पॉइंट के बाद कोई वैल्यू नहीं है इसका मतलब है 0, तो आप इसे ये वाले कॉलम में चेक करेंगे। अगर पॉइंट के बाद जिस तरह 0.5 था वो ब्रेक हो पा रहा था, इसलिए हमने उसको 0.5 के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अगर किसी के बाद पॉइंटिंग वैल्यू नहीं है तो फिर आप अज्यूम करें कि वो 0 ही है, क्योंकि स्टैंडर्ड हम लोग अज्यूम भी यही करते हैं। अच्छा जी, ये चीज आपने देख ली, तो ये चीज आपने यहाँ पे आपने सबसे पहले तो स्टैंडर्ड वेरिएंट को एक्स में कन्वर्ट कर दिया, पहले 70 को एक्स में कन्वर्ट कर दिया, 70 को एक्स में कन्वर्ट कर दिया तो 1 आंसर आएगा, फिर 64 को आपने इस फॉर्मूले में डाला तो -1 आएगा। अच्छा, इन दोनों के मुताबिक आप जाएं इसके जेड स्केल पर जाके +1 और -1 की वैल्यू चेक करें, तो +1 की वैल्यू 0.84 है, -1 की वैल्यू दिस वन। तो इसका आंसर क्या है, जीरो पॉइंट सिक्सटी एट
मतलब 64 से 70 के दरमियान में 68% स्टूडेंट जो है वो लाइक आता है. तो आपको मैंने पहले ही इम्पेरिकल रूल ये वाली बातें समझा दी हैं, तो बाकायदा आज दोबारा एक एग्जांपल के जरिए जो है वो स्टैंडर्ड रूल में भी मैंने आपको कहा था कि स्टैंडर्ड रूल में भी इम्पेरिकल सॉल्व होते हैं. यही इम्पेरिकल जो मैंने यहाँ पे आपको बताया था, यहाँ पे मैंने इम्पेरिकल का फॉर्मूला क्या लिखा है, मीन प्लस माइनस वन स्टैंडर्ड डेविएशन. डायरेक्टली यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया था कि भाई मेरे पास मीन है, वेरियंस है, ये है. ठीक है, टेबल के जरिए मैं बता देंगे कितने परसेंट डेटा लाया कर रहा है. तो हमने यहाँ पे बता दिया इनको कि भाई इतने परसेंट डेटा आपका लाया कर रहा है, इस रेंज के स्टूडेंट का मतलब है 68% का डेटा आप यहाँ लाया कर रहे हैं. इसी तरह का कोई और रेंज पूछी होती है यहाँ पर, तो आप फिर वो कैलकुलेट करते हो, उसके बाद भी आप इसका एम्पेरिकल बता दें कि भाई इतने परसेंट डेटा आपका लाया कर रहा है इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पर. ठीक है, तो आज सिर्फ एक ही डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाई थी, बाकी की दो डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो मैंने प्रीवियस क्लास के अंदर जो है वो क्लास में पढ़ा दी थी, उसकी लेक्चर रिकॉर्ड मिल जाएगा आपको. ठीक है, तो वो बाकी की आप दो सुन लीजिएगा और ये एक मैंने पढ़ा दी. ठीक है, तो आज मैं कुछ और नया लेक्चर नहीं इंट्रोड्यूस कर रही, ये काफ़ी बड़ा मतलब थोड़ा सा मुश्किल लेक्चर था, तो यही आप थोड़ा सा समझें, इसकी प्रैक्टिस करें ताकि इसको ये जो क्वेश्चन थी इनको वापस रीबिल्ड करें, इसको दोबारा से रीप्रैक्टिस करें ताकि आपको समझ आ जाए. ठीक है स्टूडेंट्स, कोई क्वेश्चन तो नहीं है, क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप लोग. ना है मुझे जॉइंट अपने ग्रुप में जहाँ वो जो चैनल बना हुआ है वहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा. ठीक है, ताकि वहाँ पे एक सिक्वेंशियली एक्सेस सबको मिल जाए. ओके मिस. ठीक है, कोई सवाल नहीं है तो फिर मैं मीटिंग लेफ्ट कर देती हूँ. और अच्छा, एक और सबसे इम्पोर्टेंट बात, यहाँ पे मॉर्निंग इवनिंग के स्टूडेंट्स मौजूद हैं, तो जो नोट करनी है कि आप लोग जो अपडेशन ग्रुप दोनों नहीं है, दोनों ख्वाला तो है और दूसरी कौन है, दूसरा कोई सीआर नहीं है. अच्छा, मैं समझा होते हैं लेकिन वो नहीं है. मिस नेक्स्ट लेक्चर में बता दिएगा जब सीआर हो. नहीं कोई बात नहीं, यहाँ पे आपके ये बता दिया, आप लोग सुन लीजिए, अपने सीआर को कन्वे कर दीजिएगा कि अपने अपने ग्रुप बन अपने प्रेजेंटेशन चाहिए, मुझे कोई इशू नहीं है, लेकिन मैक्सिमम जो है वो आपके पास कितने होने चाहिए, 5. ठीक है, मैक्सिमम ग्रुप बनाइए 5 का, मिनिमम आप कितने भी ले सकते हैं, 5 का आपके पास प्रेजेंटेशन बना लें. बनाइए, बताइए भाई, फरमाइए मैडम. एक्चुअल में एक इशू है मैडम. मैडम मैं ये कह रहा हूँ कि स्टूडेंट्स यहाँ डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस से हैं, तो हम जानते नहीं एक दूसरे को. अच्छा मैडम, मैं ये कह रहा हूँ कि सखर से भी हैं, जैसे मैं और एक स्टूडेंट और भी है मेरे साथ, तो ग्रुप ऑफ 5 तो मैम मुश्किल हो जाएगा, ग्रुप ऑफ 2 हो सकता है. ठीक है, आपको जितने मैक्सिमम लेंगे जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग, हाँ, तो ऐसा पॉसिबल है तो मैडम प्लीज ऐसा कर लें. मैंने आपको कह दिया ना कि आप मैक्सिमम 5 और मिनिमम जितने भी चाहें चाहिए, तो आप मैक्सिमम 5 बनाइए, मिनिमम. अच्छा मैडम, एक दफा प्लीज रिपीट कर दें. क्या रिपीट करूं, मैंने सिर्फ इतना कहा है कि आपने फाइनेंशियल इमरजेंसी के नाम अपने सीआर को सेंड करें. ओके. और सीआर एक एक्सेल शीट के अंदर, सीआर आपसे टॉपिक नहीं, पहले आप लोग मुझे अपनी प्रेजेंटेशन लिस्ट सेंड करें, फिर उसके बाद मैं टॉपिक खुद डिफाइन करूंगी. उस प्रेजेंटेशन लिस्ट सेंड करें, उसके आगे खुद टॉपिक में डिफाइन कर दूंगी. तो सीआर आपने अपने अपने ग्रुप्स में जरा सीआर खोला, यहाँ पे मौजूद हैं तो जरा आप जो है वो बाकी के, मेरे हिसाब से फ्राइडे वाले दो सेक्शन से तो मैंने बात कर तो हमजा को बता देना कि भाई आप बाकी हमजा के बल्कि क्लासमेट्स मौजूद हैं, तो हमजा के अपने क्लासमेट्स हमजा को बताएं. ठीक है, अपने सीआर को बता दीजिएगा भाई कि मिस ने कहा है कि प्रेजेंटेशन ग्रुप हमें बनाने हैं और एक एक्सेल की फाइल आप बना के अपलोड कर दें, हम अपने अपने मेंबर्स जो है वो उस एक्सेल की फाइल में अपलोड कर देंगे और नेक्स्ट वीक मुझे वो फाइल चाहिए. समझ आ रही है? तो जिसने नेक्स्ट वीक तक ये कर दी कर दी, अगर जिसने नहीं की उसके उसको प्रेजेंटेशन दूंगी. ऑपरेशन
अब वो प्रेजेंटेशन टॉपिक क्या होगा वो मैं आपको खुद डिफाइन करूंगी, प्रेजेंटेशन बनानी कैसे है, किस तरीके से काम करना है, वो सब चीजें मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में डिफाइन करूंगी जब मेरे पास लिस्ट आ जाएगी। अभी का काम सिर्फ इतना है कि अपने स्टूडेंट बनाइए, अपने मैक्सिमम 5 रखिए, और उसके बाद अपने जो है वो एक्सेल की शीट के अंदर मुझे 5-5 के ग्रुप बने हुए मिल जाए, ठीक है। जैसे ग्रुप नंबर 1 की हेडिंग लगाए 5 स्टूडेंट अपना नाम लिखें, ग्रुप 2 की हेडिंग लगाइए 5 स्टूडेंट नाम लिखें, इस तरह मुझे ये प्रेजेंटेशन लिस्ट नेक्स्ट वीक तक के चाहिए। बस ये आपने सीआर तक के कम्युनिकेट करवा दीजिएगा ताकि सीआर इस पे काम कर ले, ठीक है। चलें फिर मैं मीटिंग लेफ्ट करती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।